या तो रखे सारा अभिमान। से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दूसरा बजट था और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हर एक वर्ग को छुआ जाए, पर वो बड़े नाकाम रहे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है पूरे देश में और प्रदेश में, जो महंगाई का दौर है उसको देखते हुए अगर आपने किसी का 800 या 900 रुपए बढ़ाए हैं तो वो कोई आज की डेट में मायना नहीं रखता है। और ख़ासकर जो बड़े बड़े मुद्दे थे हमारे प्रदेश के, उनमें चर्चा नहीं हुई है। और मेनली हमारे किसान बागवान लोग हैं, उनको भी कोई राहत नहीं मिली है, कोई उनके लिए विशेष योजनाएं नहीं चलाई गई है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ख़ास करके हमारे सिरमौर ज़िला को बिल्कुल नेगलेक्ट किया है और सिरमौर ज़िले के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है, और ना सिरमौर ज़िले में जो बड़ा प्रोजेक्ट है रिनका डैम प्रोजेक्ट है, ना उसके बारे में कोई बात की गई है, ना बजट का कोई प्रावधान किया गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे रिनका डैम प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और अमूमन होता ये है कि जब आप कॉम्पोजिशन का सारा पैसा दे देते हो उसके बाद शिलान्यास होता है, आपने शिलान्यास पहले दे दिया, आपका अभी कॉम्पोजिशन का पैसा नहीं है। और जो हमारी संघर्ष समिति है लगातार संघर्ष करती आ रही है, उन्होंने अपनी बहुत सारी डिमांडें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, जिसमें से एक भी डिमांड का जिक्र यहाँ नहीं हुआ है। और ख़ास करके सिरमौर ज़िला के लिए मैं ये कहूँगा कि ना सड़कों की बात की गई, ना एजुकेशन की बात की गई है, और सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे खाली पड़े हैं। आज की डेट में जो नई भर्तियों की बात की है, वो भर्तियां कब तक होती है, कैसे होती है, पिछले बजट में भी 30,000 नए एम्प्लॉयज़ की बात जयराम जी ने की है, और जबकि वो 30,000 एम्प्लॉयज़ नहीं रखे गए, इस साल भी 30,000 की बात की है। तो बिल्कुल निराशाजनक ये बजट रहा है। और मैं ये बताऊंगा कि ओपीएस के लेकर 35 से 40,000 आदमी कल यहाँ आए थे, विधानसभा का उन्होंने घेराव किया था, उनसे भी